तो हेलो दोस्तों, इस के जी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मैंने सोचने के लिए 2-3 दिन लग गया था और इसको बनाने के लिए पूरा 2 दिन लग गया था। तो ये जो चीज़ है जो युद्ध में काम पे लगता है, जो तोप, असली वाला तोप, उस तोप को हम लोग घर पर बनाएंगे। और ये जो तोप है बारूद का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बैटरी से चलेगा। तो ये जो वीडियो है बनाने के लिए बहुत ही मेहनत हुआ है और सोचने के लिए तो 2-3 लग ही गया। तो इसीलिए इस जो वीडियो है बहुत ही खतरनाक है। और चलो इस जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो तोप का वीडियो है पार्ट 2 आप लोग देख लोगे तो इसको बनाने का तरीका आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसको घर में मत बनाना क्योंकि इसके खतरा हो सकता है। तो चलो ये जो वीडियो है आप लोग इस फोन में देखकर ही मजा लो, घर में बनाना मत सोचिएगा क्योंकि ये बहुत ही रिस्क काम हो सकता है। तो चलो ये जो तोप का वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए 2 मैचिस जो नया है खरीद कर लाया हूँ, और चाहिए रुई, 2 स्टील का पाइप, और चाहिए 2 वायर, और चाहिए 1 बैटमैन, और जो इसके अंदर है स्विच, जो कमाल का स्विच है, देख सकते हैं पता रहता है हर टाइम। और दोस्तों ये क्या है आप लोगों को पता है? पता है तो कमेंट में बताना, ठीक है। और ये है हमारा नाइक्रोम वायर, जो इसके साथ हम लोग बहुत प्रोजेक्ट किया था पहले। ये है हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन चीज जो है नाइक्रोम वायर। और हमारा इस प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए चाहिए इस प्रकार का ड्यूअल बैटरी जो बहुत पावरफुल है। तो हमारा उस स्टॉप को सेटअप करने के लिए इस लकड़ी के ऊपर सेटअप करेंगे, और इस स्टॉप को इसके ऊपर पूरा सेटअप करेंगे, और एक छोटी लकड़ी ये जो मिडिल पे रहेगा। और हमारा स्टॉप का जो डंडा है जो कुछ इस प्रकार का इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो हमारे इस प्रोजेक्ट का मेन चीज है तो इस तोप को मैकेनिकल सेटिंग पे सबसे पहले सेट करते हैं। तो इसीलिए चाहिए एक छोटा सा जो लकड़ी, और उसके बाद इस जो पाइप है ना, इस पाइप के अंदर इसको घुसाना है, और उसके बाद ये जो कोपार का वायर है इसको इस मिडिल पे जाएगा, जो इस लकड़ी के मिडिल पे जाएगा घुस के। और चाहिए 2 ब्लैक कलर का NPK डायोड इस कोपार का वायर की ऊपर, ये देख सकते हो लकड़ी को घुसा दियो, और इसके बाद टेंट ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर दूंगा। देख सकते हो हमारा ये लकड़ी ऊपर का वायर के साथ फिक्स हो चुका है, और हाथ के साथ भी अटैच हो चुका है। इसीलिए वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दो एंड कमेंट करना मत भूलेगा। और लकड़ी के ऊपर वो जो डायड लिया था, एक डायड को यहाँ पे फिक्स कर देंगे ग्लू के साथ, और उसके बाद जो 2 डायड लिया था, एक डायड को इस लकड़ी के ऊपर इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको अटैच कर दूंगा। देख सकते हो ये जो डायड था इसके ऊपर फिक्स हो चुका है अच्छे से। इसके बाद ये जो पाइप लिया था इसके अंदर जाएगा वो लकड़िया, इस प्रकार सा दिखाई देगा। इसके ऊपर जाएगा हमारा फिलामेंट जो चलेगा, और ये जो नाइक्रोम वायर पहले लिया था इसको उसके ऊपर फिलामेंट की आकार में इसको अटैच करना पड़ेगा। सबसे पहले स्प्रिंग की आकार देंगे, और उसके बाद सोल्डरिंग वगैरह जो कुछ है कर देंगे। टाइम लगेगा, इसलिए जब तक हमारा ये नाइक्रोम वायर अटैच हो रहा है आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। एंड हमारे चैनल पे जिस बंदा नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि इसी तरह नया मजेदार वीडियो हम लोग लाते रहेंगे बार बार। इसलिए देख सकते दोस्तों कुछ इस प्रकार सा नाइक्रोम वायर को फिक्स कर दे चुका हूँ, और इसके बाद सोल्डरिंग की बारी, एंड उसके बाद इस वायर को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा सोल्डरिंग करके यहाँ पे, और एक वायर डायोड पे सोल्डरिंग कर देता हूँ।
उसके बाद आएगा असली काम। तो बैटरी का पावर ज़्यादा आए तो इसीलिए एक बैटरी के ऊपर एक बैटरी सोल्डरिंग कर देंगे, जो प्लस के साथ प्लस वाली और माइनस के साथ माइनस वाली सोल्डरिंग करके ऐड कर दूंगा, जैसे हमारा जो बैटरी है इसका पावर ज़्यादा आएगा। और ये जो हमारा बैटरी हो रहा है ये 3000 mAh का बैटरी हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पावर है स्मार्टफोन में 3000 mAh का बैटरी रहता है। दोस्तों पहले तो फिलामेंट को बनवाया लिया था, लेकिन इसको बैटरी देने के साथ साथ हर टाइम ऑन हो रहा है, तो इसीलिए इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हमारा जो बैड बॉय था उसको यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, जो ऑन करने से ये जलेगा और ऑफ करने से ये बंद हो जाएगा। तो फिलामेंट वाली एक वायर को सीधा सीधा ही बैटरी के ऊपर सेट कर देंगे, जो प्लस वाली वायर है इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए बैड बॉय का इस्तेमाल किया जाएगा, और देख सकते हो बैड बॉय का एक वायर भी निकाला है, और इसको सीधा सीधा ही एक बैटरी में सोल्डरिंग कर देंगे, और एक फिलामेंट का जो वायर है उसको वापस सेट कर देंगे। और फिलामेंट का एक वायर बैड बॉय की ऊपर सेट कर देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो काम था, छोटा मोटा जो काम था, जो सब कुछ हो गया है, फिलामेंट के साथ स्विच ऐड हो गया है, और यहाँ पे जो बैटरी है हमारा 3000 mAh का बैटरी उसके साथ अटैच कर दिया हूँ। और इसके बाद आएगा स्विच देने की बारी, और स्विच देने के साथ साथ यहाँ पे स्मोक निकलेगा और ये रेड कलर का हो जाएगा। देखो थोड़ी देर बाद रेड हो रहा है, और देखो रेड हो रहा है, हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को तो एक तो लाइक बनता है यार, जिस चीज़ बंदा अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों इसके बाद इस टोप को इस पाइप के अंदर फिक्स कर देंगे, कुछ इस प्रकार से होगा। और ये हो रहा है हमारा टोप, जो असली वाला नकली नहीं है। और इस टोप को लकड़ी के ऊपर स्टैंड ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। दोस्तों देख सकते हो ये हमारा तो फिलामेंट के साथ अटैच होके तैयार हो गया है आग निकालने के लिए। इसके बाद ये जो लकड़ी है इसके ऊपर हमारा तोप को सेट करेंगे, तो इसीलिए हमारा ग्लूगन तैयार हो रहा है फिक्स करने के लिए। स्विच को यहाँ पे साइड में रखेंगे, जो ऑन करने की बाद ही यहाँ से आग निकलेगा पूरा रॉकेट की तरह। और दोस्तों देख सकते हो इस जो तोप है इसको ग्लूगन की मदद से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ सबसे पहले। अच्छे से फिक्स कर देंगे ग्लू की मदद से, हमारा तोप अच्छा दिखे इसीलिए बैटरी को साइड में ग्लू की मदद से अटैच कर। देख सकते हमारा जो तोप है बांध के तैयार हो गया है। तिल्ली है सबको छुड़ा छुड़ा के यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, यहाँ पे तिल्ली जो है इकट्ठा हो चुका है, इसके बाद और भी करना है। और ये हमारा तोप का बारूद होगा, हो गया देख सकते। इसके बाद ये तोप के अंदर बारूद को घुसाने की बारी। दोस्तों टोप के अंदर बारूद भर चुका हो, इसके बाद इस टोप को अच्छे से फिक्स करने के लिए यह आपसे थोड़ा थोड़ा ठोकना पड़ेगा, जो अच्छे से सेट होगा। और उसके बाद जो रुई है रुई को मुंह पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भरना होगा।
और चलो 1 2 3 गिनने की बाद ही ये जो टोप है इसको ऑन करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तो देख सकते हो ये जो हमारा तोप है यहाँ पे है और हमारा तोप का गोला किधर गया, तोप का गोला किधर गया, देख सकते हो तोप का गोला इधर आ गया। दोस्तों देख सकते हो जो इतना खतरनाक प्लान है हमारा और इंशाल्लाह यूट्यूब वालों ने अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं किया है, इस जो वीडियो है वायरल करना जरूर चाहिए। पहली बार तोप से अच्छा मजा नहीं आ रहा इसीलिए फिर से दोबारा इसको करेंगे और इसीलिए फिर से तिल्लिया इसके अंदर घुसाते हैं। चलो सुई को ऑन करो। वहां पे देखो तो रेडी हो रहा है, इसके बाद मैं साइड में चला जाता हूँ। देख सकते हो जो तोप का असली चीज यहाँ तक आ गया और तोप वहाँ पर तोप का जो चाय था वो खत्म हो गया, इसीलिए इसको यार और दिन पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तोप का गोला, तो इसीलिए रात पे इसको ट्राई करेंगे, इसलिए दिन पे हो गया, दोबारा ट्राई किया और इसका जो बैटरी का चार्ज है वो खत्म हो गया, इसीलिए इसको थोड़ा चार्ज पे बसाएंगे, उसके बाद रात पे इसको फिर से और एक बार ट्राई करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हमारा जो तोप है इतना अच्छा वर्क कर रहा है, आप लोग जिस बंदा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इसके बाद रात पे ट्राई कर सकते हो। हमारा तोप बांध के तैयार हो रहा है और मैंने सुना है वहाँ से दुश्मन आएगा तो इसीलिए तोप को यहाँ पे फिट करूंगा, तो इसीलिए तोप जो बहुत ही जल्द इसको यहाँ पे सेट करते हैं और मैं वहाँ पर जाके उस जो पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा और इसको रिकॉर्डिंग करूंगा। लो 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 देख सकते हो तोप का गोला इतना दूर आ गया और हमारा तोप जो है वहाँ पर है, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, तोप को दिखाओ, तोप को दिखाओ, देखो तोप वहाँ पर फिट था और इतना जो तोप का गोला आ गया। चलो तोप को इस प्राचीर में लगाओ, यहाँ पे सेट करो, इसका क्लिप्स मैं उस नीचे से क्लिप्स लूंगा, जो पहले नीचे पे जाने दो। स्विच को ऑन करो। ऑन हो गया, कितना देर लगेगा? हीटर कमजोर हो गया शायद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए हमारा इस प्रोजेक्ट अच्छा लगा मेरे को पता है इस प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्त के साथ शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ।